गुजरात के गांधीनगर में रेलवे स्टेशन के ऊपर आलीशान 5-स्टार होटल बनाया गया है। इस होटल का पूरा निर्माण 2017 में शुरू हुआ था और तय किया गया था कि इस होटल को रेलोपोलिस की तर्ज पर बनाया जाएगा। रेलोपोलिस स्टेशन का मतलब एक ऐसे स्टेशन से है जहां लोग रहकर काम भी कर सके और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी जिसका अहम हिस्सा हो। इस होटल का उद्घाटन 16 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली किया जाना है। गुजरात के गांधीनगर में 7,400 वर्ग मीटर में फैला रेलवे 5-स्टार होटल अपने आप में ही अनोखा है। यह देश का पहला ऐसा 5-स्टार होटल है जो रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया है। देश में आज तक ऐसा होटल कहीं नहीं है। इस होटल में कई आधुनिक सुविधाएं दी गई है। 318 कमरों के इस आलीशान होटल में अलग से प्रार्थना रूम, बेबी फीडिंग रूम और अस्पताल भी बनाया गया है। इस होटल में 32 अलग अलग थीम की लाइटें, आधुनिक टिकट काउंटर्स, लिफ्ट और पार्किंग की भी व्यवस्था है। इस होटल से लोग पूरे गांधीनगर, महात्मा मंदिर और विधानसभा को देख सकते हैं। रेलवे स्टेशन जाने वाले और होटल आने वाले लोगों के लिए अलग से इसमें गेट भी बनाए गए हैं। इस होटल के डेकोरेशन के लिए इसकी दीवारों पर अयोध्या के राम मंदिर की तस्वीरें और गुजरात के मॉन्यूमेंट की तस्वीरें बनाई गई हैं, जो लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगी। रेलवे स्टेशन पर बने इस होटल की वजह से यहां आने वाले टूरिस्ट को होटल के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस होटल को लीला ग्रुप द्वारा चलाया जाएगा। गांधीनगर में बना यह होटल गांधीनगर की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, जहां से पूरे गांधीनगर का दीदार किया जा सकता है। इस स्टेशन को 5-स्टार सर्टिफिकेट भी दे दिया गया है, तो हम इसे देश का पहला 5-स्टार रेलवे स्टेशन भी कह सकते हैं। अभी देश भर में करीब 123 रेलवे स्टेशन को रेलोपोलिस की तर्ज पर विकसित करने का काम चल रहा है, जिस पर लगभग 50,000 करोड़ का खर्चा किया जाएगा।